चलो तो अभी नेक्स्ट क्या देखना है? नेक्स्ट देखना है मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ बाय यूजिंग बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट. वेवलेंथ, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ बाय यूजिंग बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दोनों सेम है, सब सेम सेम होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है उसमें. तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होता है देखो. तो ऐसा एक टेबल है और टेबल पे स्केल अटैच्ड है. ऐसा टेबल पे स्केल अटैच्ड है, ऐसा एक टेबल है और टेबल के नीचे क्या अटैच्ड है, स्केल अटैच्ड है. तो कौन सा ऑब्जेक्ट कितना मूव किया और दोनों ऑब्जेक्ट्स में डिस्टेंस कितना है वो मेजर हो सकता है बाय यूजिंग दिस स्केल. ये एक एक्सपेरिमेंट है, लैब में परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, इधर एक सोर्स ऑफ लाइट रहता है, इधर एक सोर्स ऑफ लाइट रहता है या फिर स्लिट भी रह सकता है. ठीक है, यहां पर सोर्स ऑफ लाइट रहता है या फिर यहां पर क्या हो सकता है, स्लिट भी रह सकता है. इधर एक ऐसा प्रिज्म रहता है, लाइट के सोर्स के बाद एक प्रिज्म रहता है. कैसा प्रिज्म? तो प्रिज्म का जो इधर का एंगल है वो अल्फा रहता है, रेडियन में इधर का जो एंगल है प्रिज्म का वो अल्फा रहता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं उसको. तो रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है प्रिज्म का? अल्फा. इसी को बोलते हैं बाई प्रिज्म, इसी को बाई प्रिज्म बोलते हैं. बाई प्रिज्म का प्रॉपर्टी क्या है? तो उसका यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल बहुत छोटा रहता है, हाफ डिग्री रहता है, 1 डिग्री रहता है या फिर 2 डिग्री रहता है. तो यहाँ का एंगल वेरी स्मॉल रहता है. अगर ये 1 डिग्री है तो ये भी 1 डिग्री रहेगा. तो 1 डिग्री 1 डिग्री गया तो ये कितना रहेगा, 178 डिग्री, क्योंकि 180 चाहिए तो ये 178 डिग्री रहेगा. तो ऐसा रहता है बाई प्रिज्म, राइट? ठीक है, तो क्या होता है देखो, तो क्या होता है देखेंगे. देखो तो इसका यूज क्या है वो पहले मैं बताता हूं. यूज क्या है? टू फाइंड आउट वेवलेंथ. इसका यूज क्या है, यहां पर जो सोर्स ऑफ लाइट यूज किया है उसका वेवलेंथ फाइंड आउट करने का है. एक्सपेरिमेंट क्यों करना है, फाइनल एक्सपेरिमेंट करके फाइनली क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट लैम्डा ऑफ दिस सोर्स. तो कैसे निकालने का लैम्डा अभी देखते हैं. तो इधर बाइप्रिज्म है, यहां पर एक ही सोर्स रहता है लाइट का. लाइट का कितना सोर्स रहता है, एक ही सोर्स रहता है. ठीक है, चलो तो देखो अभी कैसे होता है. तो इधर थोड़ा लाइट जाता है और इधर थोड़ा ऐसा लाइट जाता है, आधा लाइट ऊपर जाता है और आधा लाइट इधर से जो आ रहा है वो नीचे जाता है. ऐसा जो सोर्स से जो निकल रहा है, थोड़ा लाइट ऊपर जाता है, थोड़ा लाइट नीचे जाता है. तो इधर से अभी बायप्रिज्म से जाते वक्त लाइट डेविएट होता है. बायप्रिज्म से जाते वक्त अभी लाइट कैसा होता है, लाइट डेविएट होता है. तो देखो कैसा डिविएशन आता है, ऐसा डिविएशन आता है. तो इधर का लाइट सीधा जाता है और इधर का लाइट ऐसा जाता है. वहां इधर का भी लाइट ऐसा सीधा जाता है और इधर का लाइट ऐसा जाता है. ठीक है, तो ये लाइट, थोड़ा लाइट नीचे जाता है लेकिन स्प्रेड ऐसे होता है बाय प्रिज्म के बाद में. थोड़ा लाइट ऊपर जाता है लेकिन स्प्रेड ऐसे होता है बाय प्रिज्म के बाद में. ठीक है, चलो तो यहां पर स्क्रीन रहना चाहिए. अगर यहां पर स्क्रीन है, अगर यहां पर स्क्रीन है, स्क्रीन नहीं रहता इस एक्सपेरिमेंट में. अगर यहां पर अगर स्क्रीन है तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये वाला जो लाइट है, ये वाला जो ऊपर से जो लाइट आ रहा है, ऐसा ऊपर से जो लाइट आ रहा है वो ऐसा फील होता है कि इधर से किधर से तो आ रहा है. ये जो इधर जो लाइट स्प्रेड हो रहा है, ये ऐसा फील होता है कि इधर से किधर से तो आ रहा है. अगर इधर से हम लोग देखेंगे, इफ वी ऑब्जर्व दिस लाइट
फ्रॉम दिस साइड ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म इधर है, इफ यू ऑब्जर्व दिस लाइट फ्रॉम दिस साइड ऑफ द प्रिज्म, तो क्या लगता है इधर से लाइट आ रहा है, ऐसा नहीं लगता, क्या लगता है, इट फील्स दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स S1, तो ये एक सोर्स है S1, वर्चुअल सोर्स है, एक्चुअली यहाँ पे कोई सोर्स है या कोई भी सोर्स नहीं है यहाँ पर, ये इसी का एक इमेज उधर बना है, ये सोर्स है इसका ही एक इमेज वहां पर बना है, ठीक है, तो ये किधर प्रोड्यूस होता है, बराबर इसके ऊपर ऐसा प्रोड्यूस होता है, ऐसा इधर, ठीक है, तो ये जो लाइट आ रहा है, ये जो लाइट ऐसा आ रहा है ऊपर से, ये ऐसा फील होता है कि इस सोर्स से आ रहा है, तो ये है S1 सोर्स, ये एक्चुअली सोर्स वहां पर नहीं है, इधर से एक्चुअली लाइट आ रहा है, ऐसा इधर से लाइट आता है, बेंड होके ऐसे आता है, लेकिन लगता क्या है, इधर से देखने के बाद लगता है कि इधर से आ रहा है, तो ये एक वर्चुअल सोर्स प्रोड्यूस हो गया, एक ही सोर्स है लेकिन वो दो सोर्स जैसा एक्ट करता है, एक्चुअली वहां पर एक ही सोर्स है लेकिन दो सोर्स है ऐसा एक्ट करता है, और यहाँ पर फिर इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है, जो इधर से जो लाइट, इधर से ऐसा जो लाइट स्प्रेड हुआ है, वो फील होता है कि इधर से किधर से तो आया, जो ऐसा ये इधर आता है लाइट और इधर ऐसा स्प्रेड होता है, तो इधर से जो लाइट स्प्रेड आ रहा है वो क्या फील होता है, अगर इधर से देखेंगे तो वो फील होता है यहां से आ रहा है, तो यहां पर और एक सोर्स, वर्चुअल सोर्स प्रोड्यूस होता है, यहां पर और एक वर्चुअल सोर्स प्रोड्यूस होता है S2, तो एक्चुअली कितना सोर्स है, एक ही सोर्स है, एक्चुअली एक ही सोर्स है, बाय प्रिज्म के इस साइड से देखेंगे, बाय प्रिज्म के इस साइड से देखेंगे तो एक ही सोर्स दिखता है, लेकिन बाय प्रिज्म के उस साइड है स्क्रीन, तो स्क्रीन को क्या लगता है कि दो सोर्सेस से लाइट आ रहा है, स्क्रीन को क्या फील होता है, स्क्रीन को फील होता है कि ऊपर का लाइट ये सोर्स से आ रहा है और ये नीचे से आने वाला लाइट इस सोर्स से आ रहा है, ऐसा स्क्रीन को फील होता है, तो स्क्रीन को क्या लगता है कि दो सोर्सेस से लाइट आ रहा है, तो स्क्रीन यहां पर नहीं रहता वैसे, लेकिन अगर स्क्रीन है तो कैसा फील होगा, स्क्रीन क्या, इंस्टेड ऑफ स्क्रीन वहां पर क्या रहता है, कैसा मेजर करना है देखेंगे बाद में, लेकिन अगर स्क्रीन है तो स्क्रीन को क्या फील होता है, स्क्रीन को फील होता है कि लाइट नीचे वाले सोर्स से भी आ रहा है और ऊपर वाले सोर्स से भी आ रहा है, तो दो स्लिट से लाइट आ रहा है, जो दोनों स्लिट से जो लाइट आ रहा है यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करता है, तो यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न देख के, वो इंटरफेरेंस पैटर्न को अंडरस्टैंड करके क्या काम करना है, लैम्बडा निकालना है, क्या काम करना है, लैम्बडा वेवलेंथ निकालना है इस लाइट का, ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट में क्या था, एक्चुअली दो स्लिट्स रहते, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली दो स्लिट्स रहते और दो स्लिट्स इधर आके स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करते, यहां पर दो स्लिट्स रहता है क्या, नहीं, एक ही स्लिट रहता है, एक ही सोर्स रहता है, एक ही सोर्स, थोड़ा लाइट ऊपर से आता है, थोड़ा लाइट नीचे से आता है, जो नीचे से लाइट आता है वो इधर से आ रहा है ऐसा लगता है इधर, और जो ऊपर से लाइट आ रहा है वो इधर से आ रहा है, तो एक ही सोर्स है लेकिन स्क्रीन को फील होता है, स्क्रीन को लगता है कि दो सोर्सेस से लाइट आ रहा है, तो वो दो सोर्सेस से जो लाइट आ रहा है वो यहां पर क्या होता है, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है और इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ओके, तो काम क्या करना है अभी, लैम्बडा फाइंड आउट करना है, काम क्या करना है, लैम्बडा, तो देखो कैसा कैसा रहता है, ये जो डिस्टेंस रहता है इसको ए बोलते हैं, सोर्स, वर्चुअल सोर्स एंड एक्चुअल सोर्स ऐसा एक दूसरे के ऊपर ही रहता है, तो सोर्स एंड बाय प्रिज्म इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो रहता है ए, कहां पर मेजर करने का, इस स्केल पे मेजर करने का, और इस स्केल पे सोर्स भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं हम लोग, बाय प्रिज्म भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और टेबल पे पूरा अरेंजमेंट रहता है अच्छा, और ये जो डिस्टेंस है ये बी है, स्क्रीन का बाय प्रिज्म से डिस्टेंस कितना है, बी है, तो कैपिटल एक्स या फिर कैपिटल बीटा, बैंड विड्थ या फिर फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये फॉर्मूला यूज करके लैम्बडा निकालना है, कैसे निकालना है बोलता हूं मैं, तो लैम्बडा के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इनटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, कैपिटल डी, ठीक है, तो अगर मुझे एक्स पता है, स्मॉल डी पता है और कैपिटल डी पता है, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज आई कैन फाइंड आउट लैम्बडा, तो फाइनली माय एम इज टू फाइंड आउट लैम्बडा, तो अभी एक-एक को फाइंड आउट करेंगे, एक-एक को फाइंड आउट करेंगे इस इधर, फिर लैम्बडा मिलता है, तो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट
वेरी सिंपल थिंग इज कैपिटल डी. तो कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी इज ए प्लस बी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट. डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, तो स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस मतलब ए प्लस बी. तो कैपिटल डी मिलता है ए प्लस बी. तो एक काम हो गया ए प्लस बी. ठीक है, चलो ये जो स्केल है वो स्केल का यूज करके निकालने का. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट काम वो भी इजी है, वो निकालने का है कैपिटल एक्स. कैपिटल एक्स मतलब क्या रहता है? फ्रिंज विड्थ, मतलब दो ब्राइड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, या फिर दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क्स के बीच में कितना डिस्टेंस है. ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव ब्राइड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, या फिर कॉन्सिक्यूटिव डार्क्स के बीच में कितना डिस्टेंस है. तो कैसा निकालने का, देखो तो यहां पर मैंने पहले से बोला था ये स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं रहता, यहां पर क्या रहता है, यहां पर ऐसा एक आईपीस रहता है, इधर से ऐसा आंख लगा के देखने का आईपीस रहता है, और आईपीस ऐसा एक स्केल पे कनेक्टेड रहता है. ठीक है, ऐसा एक स्केल रहता है और इस स्केल पे ये आईपीस, आईपीस में इधर लेंस रहता है, तो आईपीस ऐसा ऊपर नीचे होता है इसके ऊपर, और स्केल पे भी देख सकते हैं कि कितना ऊपर के, 2 सेंटीमीटर ऊपर किया क्या, 2 मिलीमीटर ऊपर किया, तो इधर स्केल पे पता चलता है कि आईपीस कितना ऊपर नीचे किया, इधर आंक लगा के देखने का. तो क्या देखने का है, इधर का पैटर्न. अभी ये पैटर्न एयर में प्रोड्यूस होता है, अभी यहां पर स्क्रीन नहीं है मतलब पैटर्न प्रोड्यूस नहीं होता क्या, ऐसा नहीं, पैटर्न इधर प्रोड्यूस होता है एयर में, बस वो स्क्रीन पे नहीं लेने का. तो इधर आंख से देखेंगे तो वो दिखता है ब्राइट बैंड, इधर ब्राइट प्रोड्यूस होता है तो ब्राइट दिखेगा, इधर डार्क प्रोड्यूस होता है तो डार्क दिखेगा. तो ऐसा ऊपर नीचे करके पैटर्न हमको दिखता है, इधर से आंख लगाने का, इधर से ऐसा इसको आंख लगाने का, और इसको ऊपर नीचे करके इधर जो पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है वो दिख सकता है. ठीक है, तो स्क्रीन में रहता क्या रहता है, आईपीस रहता है. तो क्या करने का, इधर ऊपर नीचे करने का, और एक ब्राइट को ढूंढने का. अभी वो कौन सा ब्राइट है, फोर्थ ब्राइट है क्या, फिफ्थ ब्राइट है क्या, हंड्रेड ब्राइट है, कुछ पता नहीं रहता, कैसे पता चलेगा. तो कौन सा भी ब्राइट रहने दो, उसको पिन पॉइंट करने का, उसको देखने का, और उसके उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ का रीडिंग देखने का, उसके करस्पॉन्डिंग इस स्केल पर जितना रीडिंग है वो देखने का. फिर ये ऊपर लेके जाओ या फिर नीचे लेके जाओ, तो मैं ऊपर लेके जाता हूं, कहां पर भी लेके जाऊं, तो वापस और एक ब्राइट मिलता है, उसके बाद और एक ब्राइट दिखता है. तो ब्राइट देखते हुए जाने का, इस ब्राइट का स्केल पे जो रीडिंग है वो देखने का, इस ब्राइट का स्केल पे जो भी रीडिंग है वो देखने का, फिर ऊपर लेके जाने का, और एक ब्राइट मिलता है, और एक ब्राइट मिला, और एक ब्राइट मिला, और एक ब्राइट मिला, और इस यहां पे जो ब्राइट मिलता है उसका भी रीडिंग स्केल में कितना आता है देखने का. तो अभी कितने ब्राइट्स पास हुए हैं, 1, 2, 3, 4, तो मतलब कितना बैंडविड्थ, कितना फ्रिंज विड्थ हो गया अभी, ये ब्राइट और नेक्स्ट ब्राइट, एक बैंडविड्थ, सेकेंड फ्रिंज विड्थ, थर्ड फ्रिंज विड्थ, फोर्थ फ्रिंज विड्थ, तो कितना डिस्टेंस हम लोग ऊपर गए, ब्राइट, उसके बाद और एक ब्राइट दिखता है, और एक ब्राइट, और एक ब्राइट, और एक ब्राइट, तो चार पांच ब्राइट दिखने का, चार पांच ब्राइट छोड़ने का, और ये इसको देखने का. ऐसा नहीं कि चार ही फ्रिंज विड्थ देखने का, 5 फ्रिंज विड्थ भी हम लोग देख सकते. तो यहां पर क्या है, ये एक बैंडविड्थ है दो ब्राइट्स के बीच में, ये एक बैंडविड्थ, ये एक बैंडविड्थ, और ये एक बैंडविड्थ, और कितना बैंडविड्थ हो गया अभी, 4 बैंडविड्थ हो गया ना. एक बैंडविड्थ, एक फ्रिंज विड्थ मतलब कितना रहता है, कैपिटल एक्स. एक फ्रिंज विड्थ मतलब कितना डिस्टेंस रहता है, कैपिटल एक्स. ऐसा कितना फ्रिंज विड्थ हो गया, 4, दो ब्राइड्स के बीच में, 1, 2, 3, 4, तो अभी कितना फ्रिंज विड्थ हो गया, 4 फ्रिंज विड्थ. तो ये डिस्टेंस मतलब कितना रहता है, 4 फ्रिंज विड्थ. ये जो डिस्टेंस यहाँ पे है इनके बीच में, इसके और इसके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो कितना है, 4 फ्रिंज विड्थ जितना डिस्टेंस है. अभी ये डिस्टेंस, ये जो स्केल है इसका यूज करके ये डिस्टेंस मेजर करने का. समझो ये अगर 20 मिलीमीटर आ गया, समझो ये डिस्टेंस
इस ब्राइट और इस ब्राइट के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये स्केल से पता कर सकते हैं हम लोग। ये ऐसा आईपीस लगाने का, इधर ब्राइट दिखता है फिर ऊपर ऊपर लेके जाने का, 1, 2, 3 ब्राइट छोड़ने का, फोर्थ ब्राइट का इधर करस्पॉन्डिंग रीडिंग देखने का, डिफरेंस लेने का उनका, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना मिला 20 मिलीमीटर, स्केल यूज करके पता कर सकते हैं। तो ये वाला ब्राइट नीचे का और ऊपर वाला जो ब्राइट है इनके बीच में डिस्टेंस है 20 मिलीमीटर। तो फोर फ्रिंज विड्थ मतलब कितना डिस्टेंस आया 20 मिलीमीटर, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं। फोर फ्रिंज विड्थ मतलब कितना डिस्टेंस आ गया 20 मिलीमीटर। तो इसका मतलब एक फ्रिंज विड्थ मतलब कितना, फोर से डिवाइड किया तो कितना आता है 5 मिलीमीटर। तो कितना आता है 5 मिलीमीटर, समझ रहे हैं? तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके वहां पे आईपीस ऊपर नीचे करके फ्रिंज विड्थ मेजर करने का, इधर मैंने फोर फ्रिंज विड्थ क्यों लिया है, इधर का ब्राइट और नेक्स्ट ब्राइट इनके बीच में डायरेक्टली डिस्टेंस देखने का, तो उसमें थोड़ा मिस्टेक होने का चांस रहता है। क्या इधर का ब्राइट मिल गया, उसका रीडिंग देखो, ये ऊपर लेके जाने का आईपीस और एक ब्राइट मिला, तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालो, फोर के फोर फ्रिंज विड्थ लेने का और फिर इसको फोर से डिवाइड करने का, इसको क्या मतलब है, तो एरर कम होता है। इससे क्या होता है, एरर कम होता है। एक ब्राइट दिखा, दूसरा ब्राइट दिखा, तो दोनों के बीच में भी डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, वो भी तो फ्रिंज विड्थ ही है, लेकिन उसमें एरर आने का चांस रहता है, इसलिए क्या करते हैं 4, 5, 6 ऐसा कितना भी फ्रिंज विड्थ देखो, 10, 15, 20 ऐसा कितना भी फ्रिंज विड्थ देखो। तो यहां पर हमने कितना देखा है, एक ब्राइट देखा मिल गया, वापस मैं बोलता हूँ, एक ब्राइट मिल गया, उसके बाद क्या करना है, दूसरा ब्राइट देखने का, छोड़ने का, उधर तक डिस्टेंस नहीं लेने का, फिर नेक्स्ट ब्राइट, तो अभी कितना फ्रिंज विड्थ, ये इस ब्राइट और इस ब्राइट के बीच में कितना डिस्टेंस है स्केल से पता चलता है, ये वाला ब्राइट और ये वाला ब्राइट के बीच में कितना डिस्टेंस है स्केल से पता चलता है, ये आईपीस कितना ऊपर लेना पड़ा उसके हिसाब से डिस्टेंस पता चलता है, वो कितना मिल गया 20 मिलीमीटर। लेकिन कितना फ्रिंज विड्थ हमने पास किया, एक दो तीन चार, तो चार फ्रिंज विड्थ पास हुआ है और डिस्टेंस 20 मिलीमीटर, तो इसको 4 से डिवाइड करने के बाद 5 मिलीमीटर। तो इसमें थोड़ा चार फ्रिंज विड्थ क्यों लिया, तो एरर कम होता है, इधर और इधर ब्राइट के बीच में डिस्टेंस वो भी मिलता है, तो एक फ्रिंज विड्थ का ही डायरेक्ट डिस्टेंस लेने का वैसा भी चलता है, लेकिन उसमें थोड़ा एरर आने का चांस रहता है। इसलिए चार फ्रिंज विड्थ देखा वहां पर मैंने, उनके बीच का डिस्टेंस, तो ये 4 से डिवाइड किया तो मुझे फ्रिंज विड्थ मिलता है। तो फ्रिंज विड्थ क्लियर, ठीक है? तो पहला कैपिटल डी चाहिए था, कैपिटल डी मतलब आईपीस एंड स्लिट्स इनके बीच में डिस्टेंस, अभी स्क्रीन नहीं रहता ना इसलिए आईपीस ही रहता है एक्चुअली। तो कैपिटल डी क्या रहता है, आईपीस मतलब वहां पर ही पैटर्न प्रोड्यूस होता है, आईपीस एंड स्लिट्स इनके बीच में डिस्टेंस, तो वो ए प्लस डी है, ए प्लस बी है, तो इस स्केल से पता चलता है, कैपिटल डी क्लियर। बैंडविड्थ कैसा निकालने का, फ्रिंज विड्थ, तो ब्राइट देखने का, ये ऊपर लेके जाने का, नेक्स्ट ब्राइट दिखता है, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखने का स्केल यूज करके तो बैंडविड्थ मिलता है। लेकिन हम लोग ब्राइट और नेक्स्ट ब्राइट के बीच में डिस्टेंस नहीं लेते, हम लोग क्या लेते हैं 4-5 ब्राइट्स छोड़ के बाद में लेने का, तो एवरेज आउट होता है तो थोड़ा अच्छा डिस्टेंस मिलता है। तुमको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा मैं बोलता हूं, लेकिन इसमें थोड़ा एरर ज्यादा होता है। एक ब्राइट देखने का, ये ऊपर लेके जाने का, दूसरा ब्राइट मिलता है, तो ये समझो 5 मिलीमीटर के, ये इसको 5 मिलीमीटर ऊपर चढ़ाने के बाद दूसरा ब्राइट मिलता है, तो दोनों ब्राइट्स में जो डिस्टेंस है इधर से पता चलता है इस स्केल से, तो दोनों ब्राइट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ निकाला। एक ब्राइट देखने का, इसको ऊपर चढ़ाने का, दूसरा ब्राइट मिलता है, तो दोनों ब्राइट्स के बीच में जितना डिस्टेंस है वो बैंडविड्थ है, ठीक है? लेकिन एक्यूरेसी के लिए एक बैंडविड्थ नहीं चेक करते हम लोग, 4, 5, 6 बैंडविड्थ चेक करते हैं, और उसको 6 से डिवाइड करने के बाद में तो एवरेज आउट होता है, तो एरर कम आता है, तो बैंडविड्थ मिल गया। फाइनली क्या चाहिए, फाइनल गेम तो है अपना लैम्डा, ओके, और फाइनल एम इज टू फाइंड आउट लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। वी हैव कैलकुलेटेड कैपिटल एक्स, वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड कैपिटल डी, अब कौन सा बचता है, स्मॉल डी बचता है, तो स्मॉल डी के लिए फॉर्मूला है, स्मॉल डी के लिए क्या फॉर्मूला है,
2a mu माइनस 1 इंटू अल्फा. स्मॉल d के लिए क्या फॉर्मूला है? 2a mu माइनस 1 इंटू अल्फा. a म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अल्फा इधर का एंगल, रेडियन में चाहिए, रेडियन में एंगल चाहिए, लिख के रखो, रेडियन में एंगल चाहिए, डिग्री में नहीं, अल्फा इधर का एंगल. तो ये सब पुट करने के बाद डी मिलता है, तो डी पुट करो, एक्स मेजर करके पुट करो, कैपिटल डी ए प्लस बी रहता है, तो ये सब पुट करने के बाद लैम्डा मिलता है. तो इतना एक्सपेरिमेंट है. डी फाइंड आउट करने का और एक तरीका रहता है, कैपिटल डी, कैपिटल नहीं स्मॉल डी फाइंड आउट करने का और एक मेथड रहता है. तो उसमें क्या करते हैं, तो देखो उसमें क्या करते हैं, मैं बोलता हूं उसमें क्या करते हैं. पूरा वीडियो पॉज करो और जितना डायग्राम है, जितना यहां पर दिया है मैंने, मैंने वो पूरा अच्छे से लिख के ले लो. ठीक है, चलो तो अब स्मॉल डी मेजर करने का और एक मेथड देखो क्या है. स्मॉल डी मेजर करने का और एक डिफरेंट मेथड है. तो उसमें क्या करते हैं, देखो तो उसमें क्या करते हैं, इधर एक लेंस लगाते हैं ऐसा, कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस भी आगे पीछे मूव हो सकता है. तो अभी इसका पोजिशन फिक्स है. अभी लेंस का पोजिशन मूव करके क्या करना है बोलता हूं. तो लेंस का पोजिशन इधर इधर ऐसा मूव करने का, और क्या करने का, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, लेंस की एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर लेंस हम लोग रखेंगे, तो ये जो दोनों सोर्सेस है वर्चुअल सोर्सेस, इनका ये लेंस क्या करता है, रियल इमेज प्रोड्यूस करता है. तो किधर प्रोड्यूस होगा, तो किधर भी प्रोड्यूस हो सकता है. तो समझो इधर प्रोड्यूस होता है, इधर एक और इधर एक, तो इनके बीच में डिस्टेंस चेक करने का. ओके, जो आईपीस रहता है, जो स्क्रीन रहता है, वहां पर ही ये इमेज प्रोड्यूस होता है, आईपीस के लेवल पे ही. मतलब आईपीस का ये इधर से देखेंगे तो इधर का जो है वो दिखता है. तो यहां पर ही स्क्रीन है ऐसा एज्यूम करना पड़ता है. तो क्या देखो, लेंस को आगे पीछे मूव करने का एंड लेंस की एक पर्टिकुलर जगह पे इन दोनों सोर्सेस का इमेज प्रोड्यूस होता है. तो ये आईपीस लेके ऊपर जाने का एक ब्राइट पॉइंट दिखता है, तो वो वाला है ऊपर का सोर्स. आईपीस लेके नीचे आने का और एक ब्राइट पॉइंट दिखता है, तो वो है नीचे का सोर्स. तो इधर से इधर आने तक, ये आईपीस इधर से इधर लेके आने तक कितना डिस्टेंस मूव होता है, तो ये स्केल पे पता चलता है. तो उससे क्या पता चलता है, इन दोनों सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस कितना है वो पता चलता है. उसको बोलेंगे डी वन, इमेजेस के बीच में, जो सोर्सेस का इमेजेस है उनके बीच में, जो इन सोर्सेस का इमेजेस है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है वो निकालने का, वो क्या है डिस्टेंस, पहला वाला डिस्टेंस है डी वन. अब ऑप्टिक्स में तुम लोगों को ये भी हुआ है, ऑप्टिक्स में अगर ऑप्टिक्स चैप्टर हुआ है तो तुमको पता रहेगा, अगर ऑप्टिक्स नहीं हुआ तो जब हो जाएगा तब पता चलेगा. क्या कि लेंस को मूव करेंगे, लेंस को मूव करेंगे तो और एक लेंस का पोजिशन मिलता है, सेकेंड पोजिशन ऑफ लेंस. लेंस को मूव करेंगे तो ये वाला इमेजेस तो जाएगा, अभी ये वाला इमेजेस तो जाएगा गायब, और एक सेकेंड पोजीशन लेंस का मिलता है, उस पोजीशन पे भी इमेज प्रोड्यूस होता है. एक लेंस का पोजीशन रखा था, वहां पर इमेजेस मिला, उनके बीच में डिस्टेंस लिया, वो डी वन आया. लेंस का पोजीशन चेंज करके देखा, और एक लेंस का पोजीशन मिलता है, वो समझो इधर आता है. लेंस इधर लेने के बाद और एक बार इन दो सोर्सेस का इमेजेस प्रोड्यूस होता है, वो थोड़ा पास पास में होता है, समझो ऐसा इधर एक और इधर एक. तो वापस से इनके बीच का डिस्टेंस निकालने का बाय यूजिंग आईपीस, आईपीस ऊपर लेके जाने का, तो इधर एक ब्राइट पॉइंट दिखता है, मार्किंग इधर स्केल पे कितना है नोट डाउन करने का. आईपीस नीचे लेके आने का, फिर और एक ब्राइट पॉइंट दिखता है, तो स्केल पे देखने का रीडिंग कितना है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी टू है. तो लेंस का फर्स्ट पोजिशन में, वेन लेंस इज इन फर्स्ट पोजिशन, सोर्सेस के बीच में,
सोर्सेस के इमेजेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज डी वन. फॉर सेकेंड पोजिशन ऑफ लेंस, डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस ऑफ सोर्सेस इज डी टू. तो एक्चुअल डिस्टेंस जो ये डिस्टेंस है वर्चुअल सोर्सेस के बीच में, वो तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते. वही तो लफड़ा है ना, मेजर नहीं कर सकते. क्यों मेजर नहीं कर सकते? एक्चुअली तो एक ही सोर्स है, दो सोर्स किधर है? बस स्क्रीन को लगता है कि दो सोर्स है. एक्चुअली यहाँ पर एक ही सोर्स है, लेकिन स्क्रीन को क्या फील होता है कि यहाँ पर दो सोर्सेस है, वो है ही नहीं. इधर आके देखेंगे तो एक ही दिखता है, तो डिस्टेंस किसके बीच में देखने का? तो इसलिए ये लफड़ा चल रहा है. तो स्मॉल डी निकालने में लफड़ा क्यों है? एक्चुअली एक ही सोर्स है, दो है ही नहीं, तो डिस्टेंस कैसे निकालने का? तो या तो ये एक फॉर्मूला या फिर वो फॉर्मूला. तो लेंस यहां पर रख दिया, इमेजेस प्रोड्यूस होता है इन वर्चुअल सोर्सेस का, इमेजेस प्रोड्यूस होता है, उनके बीच में डिस्टेंस ले लो, वो डी वन है. फॉर सेकेंड पोजिशन ऑफ लेंस वी अगेन गेट इमेजेस, डिस्टेंस बिटवीन दीज इमेजेस इज डी टू. तो एक्चुअल डिस्टेंस मतलब ये वाला एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस इज रूट ऑफ डी वन एंड डी टू. एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस इज इक्वल टू रूट ऑफ डी वन एंड डी टू. तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी हम लोग स्मॉल डी निकाल सकते हैं. तो स्मॉल डी ऐसे निकलता है, बोर्ड बुक में बस यही फॉर्मूला दिया है, या फिर ऐसे भी निकलता है, ये वाला फॉर्मूला एररलेस में दिया है. ठीक है, तो स्मॉल डी निकल गया, आइदर ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला. कैपिटल एक्स भी निकल गया और कैपिटल डी भी निकल गया. तो यहां पर पुट करो, फिर लैम्बडा मिलता है. सब एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट्स करने का, एक्स का एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करने का, स्मॉल डी ऐसा या फिर ऐसा निकालने का, और कैपिटल डी तो ए प्लस बी रहता है, ये नीचे का स्केल यूज करके निकालने का. तो एक्सपेरिमेंटली सब ये मेजर होता है. तो क्या बाय परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन फाइंड आउट लैम्बडा ऑफ द वेवलेंथ यूज्ड, लैम्बडा ऑफ द लाइट यूज, जो भी लाइट यूज हुआ है उसका लैम्बडा वी कैन फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, अगर चलो मैं एक बार कंक्लूड करता हूं इसको, कंक्लूड करता हूं, फिर भी तुमको थोड़ा डाउट वगैरह लगे तो वीडियो है, रिकॉर्डेड है, वापस एक बार देख सकते हो. तो ये रिकॉर्डेड वीडियोस है, इसलिए मैं रिवीजन ज्यादा नहीं ले रहा हूं इसमें. रिकॉर्डेड नॉर्मली मैं लाइव लेक्चर में ज्यादा रिवीजन लेता हूं, लेकिन ये रिकॉर्डेड है, तुम लोग वापस इसको देख सकते हो. तो जो पार्ट अंडरस्टैंड नहीं हो रहा उसको वापस एक बार देखो. चलो और एक बार मैं फिर भी रिविजन करता हूँ, कॉम्प्रेस करके जब मैं बताता हूँ तो थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है. देखो ये क्या है, बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है. क्या है ये? बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट. एम क्या है अपना? टू फाइंड आउट लैम्बडा. एम क्या है? टू फाइंड आउट लैम्बडा. एक्सपेरिमेंट पूरे टेबल पे ऐसा रखा है, एक्सपेरिमेंट ऐसा टेबल पे रखते हैं. आईपीस है, आईपीस स्केल को अटैच्ड है, लेंस रहता है, लेंस रिमूव करने का कभी नहीं चाहिए, जब चाहिए तब लाने का. बायप्रिज्म रहता है, बायप्रिज्म का एंगल बहुत छोटा रहता है, उधर का जो एंगल रहता है अल्फा यहाँ पर यूज होता है रेडियन में. इधर एक ही सोर्स रहता है, ये डिस्टेंस ए रहता है, ये डिस्टेंस बी रहता है, आईपीस एंड बायप्रिज्म के बीच का डिस्टेंस बी रहता है. वी कैन मेजर ए एंड बी बाय यूजिंग दिस स्केल. ठीक है, और आईपीस ऊपर नीचे कितना जाता है, दैट वी कैन मेजर बाय यूजिंग दिस स्केल. ठीक है, चलो. तो अवर एम इज टू फाइंड आउट लैम्बडा. तो लैम्बडा का फॉर्मूला, ये जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है उसको उल्टा सुल्टा करके लैम्बडा का फॉर्मूला लिखा है. तो इफ आई कैलकुलेट ऑल थ्री थिंग्स देन आई कैन कैलकुलेट लैम्बडा. तो पहले कैपिटल डी, तो ईजी है, कैसा निकालने का, ए प्लस बी इज कैपिटल डी, तो कैपिटल डी मिल गया. ठीक है, दूसरा काम है फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ कैसे निकालने का? फ्रिंज विड्थ निकालते वक्त लेंस नहीं चाहिए, लेंस को उठाने का, बाजू में रखने का. फ्रिंज विड्थ निकालते वक्त लेंस बीच में नहीं चाहिए, तो लेंस को निकालने का, ये सब निकालने का, बाजू में रखने का. तो इधर से लाइट आता है, थोड़ा लाइट नीचे से आता है, थोड़ा लाइट ऊपर से आता है. जो ऊपर से लाइट आता है इधर से आ रहा है ऐसा फील होता है, और जो नीचे से लाइट ऐसे आता है वो इधर से आ रहा है ऐसा फील होता है. तो एक्चुअली एक ही सोर्स है, लेकिन इस साइड में क्या लगता है कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेस. तो लाइट इज कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेस, तो लाइट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न ओवर हियर. तो आईपीस से देखने का, एक ब्राइट बैंड दिखता है, फिर आईपीस ऊपर लेके जाने का, दूसरा एक ब्राइट बैंड दिखता है. तो दोनों ब्राइट बैंड्स में कितना डिस्टेंस है देखने का? चमक चमकेगा ना आंख को, ऐसा ऊपर नीचे वो आईपीस करके देखने का तो आंख में चमकेगा. तो बहुत ज्यादा जब चमकता है तो
वहां पे ब्राइट बैंड है, तो एक ब्राइट बैंड दिख गया तो उसके बाद दूसरा ब्राइट बैंड उसके ऊपर देखने का, या फिर नीचे भी देखा तो भी चलता है, एक ब्राइट बैंड दिख गया आईपीस ऊपर ऊपर लेके जाने का और एक ब्राइट बैंड दिख गया, तो वो दोनों ब्राइट्स में डिस्टेंस कितना है देखने का, वो रहता है ब्राइट, वो रहता है फ्रिंज विड्थ। दो एक ब्राइट दिख गया उसके बाद और एक ब्राइट दिख गया, तो दोनों ब्राइट्स में जितना डिस्टेंस है वो रहता है फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ मिल गया। कभी कभी एरर कम करने के लिए क्या करते हैं, एक ब्राइट है उसको छोड़ के और एक ब्राइट मिला और एक ब्राइट मिला और एक ब्राइट मिला और एक ब्राइट और एक ब्राइट और एक ब्राइट और इधर का ब्राइट का रीडिंग देख दिया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, समझो इसको मैं एक्स बोलता हूँ, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलता हूँ स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स नहीं इसको एल बोलता हूँ, एल इसको मैं एल बोलता हूँ। तो फ्रिंज विड्थ कितना है, इधर का एक, इधर एक ब्राइट देखा था, उसके बाद कितने ब्राइट छोड़े, 1 2 3 4 5 6 ब्राइट छोड़ा और सेवेंथ ब्राइट का डिस्टेंस मार्क किया, तो ये वाला ब्राइट और ये वाला ब्राइट इनके बीच में डिस्टेंस है ये। तो अभी फ्रिंज विड्थ कितना है, कितना फ्रिंज विड्थ पास किया हमने, देखो यहाँ पर एक बैंड पास हो गया, दो ब्राइट्स के बीच में एक बैंड विड्थ रहता है, दो ब्राइट्स के बीच में एक फ्रिंज विड्थ रहता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये जो डिस्टेंस है इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलता है, ये जो डिस्टेंस है ये वाला ब्राइट और ये वाला ब्राइट इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो स्केल से पता चलता है, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, फ्रिंज विड्थ। तो जनरली ऐसा ही करते, दो ब्राइट्स के बीच में डिस्टेंस नहीं निकालते, उसमें थोड़ा एरर आता है, 6-7 ब्राइट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल दे, यहाँ पे पहला वाला ब्राइट और एट्थ वाला ब्राइट, ये अगर 1 है 2 3 4 5 6 7 8 तो पहला वाला ब्राइट, पहला वाला मतलब जो पहला दिखता है वो, ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट ब्राइट है, वो कौन सा ब्राइट है समझता नहीं, वो देखते वक्त कौन सा ब्राइट है समझता नहीं, तो जो पहले वाला फर्स्ट ब्राइट है हमको जो फर्स्ट दिखा वो फर्स्ट ब्राइट, जो फर्स्ट ब्राइट है और जो एट्थ ब्राइट है इनके बीच का डिस्टेंस देखने का, तो इनके बीच में कितना फ्रिंज विड्थ है, 7, सो इसलिए 7 से डिवाइड किया, ये फ्रिंज विड्थ है तो फ्रिंज विड्थ मिल गया। अब एक बच गया कैलकुलेशन स्मॉल डी का, स्मॉल डी का कैलकुलेशन कैसा करने का, तो स्मॉल डी के कैलकुलेशन के लिए एक तो ये फॉर्मूला लगता है, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ए इधर का वैल्यू बाय प्रिज्म एंड सोर्स के बीच में, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका नहीं है लेंस का नहीं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अल्फा इधर का एंगल रेडियन में, ठीक है। दूसरा डी का फॉर्मूला क्या है, लेंस लेके आओ, लेंस का एक पोजिशन फाइंड आउट करो, उस पोजिशन पे लेंस क्या करता है, इन दो सोर्सेस का इधर इमेजेस प्रोड्यूस करता है, उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करो, वो है D1, ठीक है। लेंस का पोजिशन चेंज करो फॉर सेकेंड पोजिशन ऑफ लेंस, फॉर अनदर पोजिशन ऑफ लेंस, अगेन लेंस फॉर्म्स टू इमेजेस ऑफ दीज टू सोर्सेस, तो उनके बीच में डिस्टेंस इज D2 एंड रूट ऑफ D1 D2 इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस। ये हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सोर्स दो है ही नहीं, एक ही है, ये वर्चुअल सोर्सेस है, तो ये दिखता ही नहीं हम लोगों को, तो कैसे मेजर करने का, तो ऐसा मेजर करने का या फिर ऐसा, तो सब मिल गया, वैल्यूज इधर पुट करो फिर लैम्ब्डा मिलता है, ठीक है। बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आता, तुम लोगों को मैं बोला था लास्ट लेक्चर में सॉल्व करो, अगर तुमने एग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट का जो न्यूमेरिकल से सॉल्व किया है तो समझ में आया होगा कि बाय प्रिज्म और एग्स डबल स्लिट में कुछ अलग अलग डिफरेंट न्यूमेरिकल नहीं आता, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रहता है, ठीक है। चलो तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डायफ्रैक्शन चालू करेंगे, और थोड़ा थ्योरी है वो बताने का है मुझे अभी, वो होने के बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डायफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। चलो तो आज के लेक्चर का फाइनल पार्ट एकदम छोटा पार्ट है, सिंपल पार्ट है, हेडिंग लिखो उसका, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, तो क्या होता है, देखो प्लेन वेव फ्रंट आता है, इधर से प्लेन वेव फ्रंट आता है, ये है प्लेन वेव फ्रंट, इसका विड्थ समझो W है, ये प्लेन वेव फ्रंट इधर से एक आता है, ये एक लाइट का रे है, इधर एक लाइट का रे है,
इसके इधर लाइट नहीं है, इसके इधर लाइट नहीं है, तो लाइट का रेज ऐसा आता है तो इसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट आता है, ये मिरर है, मिरर पे आता है, रिफ्लेक्ट होता है और इधर जाता है। तो विड्थ ऑफ वेव फ्रंट, विड्थ ऑफ वेव फ्रंट बिफोर रिफ्लेक्शन कितना विड्थ है, एंड विड्थ ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट का विड्थ और बिफोर रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट का विड्थ सेम ही रहता है। ये जो विड्थ है बिफोर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन विड्थ ऑफ वेव फ्रंट क्या रहता है, सेम रहता है। बस एक सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो ऐसा अभी इधर से ऐसा वेव फ्रंट आ गया, इधर से ये ऐसा वेव फ्रंट आ गया तो रिफ्रैक्शन होता है, ये अंदर चला जाता है, ऐसा रिफ्रैक्शन होता है। तो जो इधर का वेव फ्रंट है, जो इधर का वेव फ्रंट है उसको मैं नाम देता हूं ए बी, और ये वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो यहां का वेव फ्रंट है इधर भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं, उसको मैं बोलता हूं डीसी, और ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ए बी एंड डीसी का क्या रिलेशन रहता है, कॉस आई अपॉन कॉस आर। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं और एक बार देखो क्या है, इधर से ऐसा वेव फ्रंट आता है, मतलब इतना रेज ऐसा आता है पैरेलल रेज, तो पैरेलल रेज को जो परपेंडिकुलर रहता है वो वेव फ्रंट रहता है। लास्ट चैप्टर में हुआ था वेव फ्रंट क्या है, तो इन पैरेलल रेज को जो परपेंडिकुलर रहता है उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। तो ऐसा वेव फ्रंट आता है तो ये वाला रे बेंड होता है, ये वाला रे भी बेंड होता है, तो वेव फ्रंट का विड्थ रिफ्रैक्ट होने के बाद चेंज होता है। वेव ऐसा आता है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो अंदर चला जाता है, तो इधर का विड्थ से इधर का विड्थ अंदर जाने के बाद वेव फ्रंट का विड्थ क्या होता है, बड़ा होता है। तो इधर का विड्थ और इधर का विड्थ इनके बीच का रिलेशन क्या है, इधर का विड्थ एंड इधर का विड्थ इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो ए बी अपॉन सी डी सी, ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू क्या, ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो कॉस ऑफ आई अपॉन कॉस ऑफ आर, ऊपर का एंगल ऊपर का विड्थ, नीचे का एंगल नीचे का विड्थ, ऊपर का एंगल ऊपर का विड्थ, नीचे का एंगल नीचे का विड्थ। तो ये ऐसा फॉर्मूला है, तो ऊपर का विड्थ देते हैं कभी कभी, नीचे का विड्थ फाइंड आउट करो बोलते हैं, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेव फ्रंट का विड्थ, वी कैन फाइंड आउट विड्थ ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, रिफ्रैक्ट होने के बाद विड्थ ऑफ वेव फ्रंट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन के बाद तो विड्थ उतना ही रहता है। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही थ्योरी है। अगर कुछ न्यूमेरिकल्स तुम्हारा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड बिट का, वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट एंड सेकंड बिट के कुछ न्यूमेरिकल्स अगर अनसॉल्वड है तो कंप्लीटली सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर डायफ्रैक्शन चालू करते हैं। ठीक है, चलो बाय।